Nobody was a minister. Nobody was an EM or an MDC. 3 years ago, we were all warriors. And today, you have become MLAs, ministers, chairmen, CM, MDCs, MLAs, only because of the hard work of our warriors, not because of yourself. It was a team effort. I recognize that. Main isko janta hun. I recognize it. Why did we win? क्यों जीता तिपरा मथा? Why did YTF? अगर YTF नहीं होता, TWF नहीं होता, तिपरा मथा नहीं जीतता. Yesterday, रविंद्र बाबू आप था वहां में, कल मीटिंग था ईसी का, काउंसिल का. मीटिंग में एजेंडा आता है जॉब्स का, नौकरी का, वन टाइम रिलैक्समेंट करते करते हम लोग किसी को प्रमोट करते जा रहा है, जो रिटायर हो गया उसको वापस नौकरी दे रहा है, लेकिन यूथ जो ग्रेजुएट है, जो यंग है, जो अंडर ग्रेजुएट है, जो क्वालिफाइड है, उनको नौकरी नहीं दे रहा. हमने बोला कि ये रूल को आप खत्म करो. अब अगर आपको नौकरी देना है, अगर क्वालिटी चाहिए आपको, तो जिसका टाइम गया उसको आप वापस रिहायर कर रहे हो. जो क्वालिफाइड नहीं है उसको आप अपग्रेड कर रहे हो, और जो क्वालिफाइड है वो भी आज बेरोजगार है. Our job is to give jobs. As a policy, कल के मीटिंग के बाद मैंने कहा है ये वन टाइम रिलैक्समेंट नहीं होगा, और जो रिटायर कर चुका है उसको नेक्स्ट टाइम एक्सटेंशन नहीं मिलेगा. अब यंग लोगों को, हम लोगों को नौकरी देना पड़ेगा. लीडरशिप को समझने के लिए आपके पास एक हिम्मत होना चाहिए. ऋषिकेतु, यू जस्ट स्पोक अबाउट योर कमिटमेंट टू तिपरासा पीपल. आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले माधवबारी में क्या हुआ? उस दिन, दैट डे, I called up our Tiprasa minister, I will not take his name, and I told him 5 people have been shot in Madhavbari. Show your solidarity with your Tiprasa people. He kept quiet. Today I'll tell you, main aapko bolna chahta hoon. आज अगर मैं अपने लोगों को नौकरी नहीं दे सकता, अपने एडीसी में अपने लोगों को अधिकार नहीं दे सकता, अपने पार्टी में अपने लोगों को बीएसी चेयरमैन का पद नहीं दे सकता, वीसी इलेक्शन नहीं कर पाता, तो देन देयर इज नो यूज ऑफ बीइंग इन द गवर्नमेंट. वी बेटर सिट इन द ऑपोजिशन. I am not going to spend 5 years sitting in the government and not being able to help my community, my people. और जिसको रहना है रह जाओ, मुबाकरा नहीं रहेगा. Yesterday in the EC, Ravindra Babu, I told you, give people job or we will be out of job ourselves. और एक पॉलिसी डिसीजन लिया है, ये क्वेश्चन पेपर आंसर्स
क्वेश्चन की आंसर की लीक होने के बाद मैंने कल से एक कानून बनाया है कि कोई भी एग्जाम वॉक इन इंटरव्यू, पुरनो आप यहां में है, कोई भी एग्जाम वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू नहीं होगा। जो क्वालिफाइड पोस्ट है, पीओ का पोस्ट है, इंजीनियर का पोस्ट है, वॉक इन इंटरव्यू से नहीं होगा, रिटन एग्जाम होगा। बिना रिटन एग्जाम का किसी को वॉक इन इंटरव्यू से नौकरी नहीं मिलेगा जैसे पहले मिलता था। किसी का दोस्त है आप, किसी का रिश्तेदार है आप, उनको नौकरी मिल रहा है, नहीं। आर जॉब इज टू गिव माय नेक्स्ट जनरेशन आ यंग तिप्रासा बॉयज एंड गर्ल अ चांस नॉट टू बिकम कंफर्टेबल सिटिंग इन खुमलु। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, यहां में मानव है, पठान है, अपना सौदागर है, देवजीत है, विश्वजीत, उमा, यहां में शितौर है, सोहेल है, पॉल, युवा दे, धीरेन, फिलिप, गणेश, यू आर ऑल यंग पीपल। इतना यंग, किसी को इतना पहले इतना चांस नहीं मिलता है। गोबाग्रा ने आपको चांस दिया, ये चांस आप लेकर काम कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, लेकिन ये मत भूलो, फॉर एवरी पॉल, फॉर एवरी सोहेल, फॉर एवरी देवजीत, सदागर, रुनेल, उमा, विश्वजीत, मानव, पठान, फिलिप, धीरेन, फॉर एवरी वन ऑफ यू देर आर 10,000 तिप्रासास हु हैव नो अपॉर्चुनिटी इन लाइफ। यू हैव बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी, वर्क फॉर योर पीपल फर्स्ट। एज अ पॉलिसी अगर हमको कुछ करना है तो सबसे पहले अधिकार के बारे में, अग्रीमेंट साइन हुआ है, रुनेल ने बोला वी आर रेडी फॉर एजिटेशन आंदोलन, तो किसने आपको रोका? करो, हमने बोला है नहीं करने के लिए। अगर किसी के पेट में खाना नहीं है तो क्या मैं चुप बैठूं, रोटी बना के रखूं? अगर किसी को, किसी का घर टूट रहा है तो क्या मैं वेट करते रहूं? किसी का मां या पिताजी बीमार है, हॉस्पिटल में कैंसर से मर रहा है, तो क्या मैं वेट करते रहूं? कब तक तिप्रासा को हम लोग बेवकूफ बनाएंगे? पॉलिटिक्स करना है, पॉलिटिक्स अब बुबागरा के ऊपर छोड़ो, मैं हैंडल करता हूं उन लोगों को। आपका काम है कम्युनिटी में रहकर अपना लोगों के लिए काम करना। ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? ये धंधा हो गया है पॉलिटिक्स। मिलता हूं, आई मीट पीपल, बुबागरा यू डोंट गिव मी पोस्ट, I will not work for party. Go to hell. I don't care about you. Don't try to blackmail me. I could have been MP. I could have been CM. I could have been CEM. I could have been MLA. I could have been minister. I have not taken anything for myself. Huh? बनाना है तो तिप्रासा को कुछ देना है। थानसा को तोड़ने के लिए ये नेशनल पार्टीज, नाम नहीं लूंगा, फाइनेंस करता है अपना तिप्रासा को, बुबागरा को अटैक करने के लिए। हिम्मत नहीं है इनका बोलने के लिए कि हमको दबा के किसने रखा है। ये लोग YouTube में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, बात करेगा, Facebook में बात करेगा, कॉरबुक में गरीब गरीब एरिया में रईसाबारी में जाके बड़ा बड़ा बात करेगा, कंचनपुर में जाके बड़ा बड़ा बात करेगा,
कंचनपुर से 2 किलोमीटर आगे जाओ, स्वास्थ्य समिति नागरिक सुरक्षा का मंच के सामने चुप बैठता है। अगरतला में हिम्मत नहीं है रैली करने के लिए, लेकिन एमपी में करबुक में अपना तिपरा सा को बोलेगा, अरे तिपरा मोथा खराब है, तिपरा मोथा खराब है, चलो हम लोग खराब है। आपने क्या किया, आपने क्या किया? हिम्मत है बोलने के लिए कि अपना तिपरा सा को अपने ही जमीन में नीचे किसने रखा है? तिपरा मोथा में आपका बॉस तिपरा सा है, आपके पार्टी में आपका बॉस कौन है? हिम्मत नहीं, लेकिन हिम्मत मिलता है। सौदागर खराब है, जितेन खराब है, फिलिप खराब है, देवजीत खराब है, जेम्स खराब है, बीर खराब है, डोनाल्ड यू आर बैड, पितौर यू आर बैड, कभी बोल सकता है कि अगरतला में कौन खराब है? कभी दिल्ली जाके बोल सकता है दैट वी आर नॉट सीपीएम, वी आर नॉट बीजेपी, वी आर नॉट कांग्रेस, वी आर तिपरा सा फर्स्ट? ये हिम्मत है बोलने का आपको? नहीं, हिम्मत नहीं, क्योंकि पैसा खा के बैठा है। मुझे अगर फाइट करना है ना, मैं वेट कर रहा हूं, मैं भी वेट कर रहा हूं, आई एम वेटिंग, लेकिन मुझे आपका यूथ का सपोर्ट चाहिए। जैसा इन लोगों को, यूथ को मैंने चांस दिया है, जैसा एक सोहेल है, जैसा एक पोल, जैसा एक सौदागर, देवजीत, विश्वजीत, मानव, आपके लिए मैंने फाइट किया, क्योंकि मैंने आपके लिए फाइट किया, 5-6 सीनियर लोग पार्टी छोड़ के चला गया, लेकिन इनको, यूथ को चांस दिया। किशोर, यू थिंक आई विल नॉट गिव यू अ चांस? जेम्स, यू थिंक आई विल नॉट गिव यू अ चांस? तपन, यू थिंक आई विल नॉट गिव यू अ चांस? आई विल गिव यू अ चांस, बट देर आर पीपल जिनको यूथ को चांस देने का मन नहीं है। अगर मैंने उनको चांस दिया तो रविंद्र बाबू को भी मैंने चांस दिया। बैलेंस करना था यूथ एंड सीनियर, लेकिन ये लोग यूथ को कभी चांस नहीं देगा, यूथ को सिर्फ सामने रखेगा, हटाई कतौर में यूथ को हंगर स्ट्राइक कराएगा, लेकिन इलेक्शन के टाइम 7 सीट में फाइट करेगा, 8 सीट में फाइट करेगा, उसमें भी 95% जो इसका टाइम गया है। हूज फ्यूचर इज इन अंडर थ्रेट? किसका फ्यूचर आज थ्रेट में है? किसका जमीन आज जा रहा है? और बुबागरा किसी से डरने वाला नहीं, किसी से डरने वाला नहीं। किसी ने उस दिन फोन किया, बोला आप अलायंस पार्टनर है, उसके खिलाफ बोलो। मैं क्यों बोलो? मैं किसके खिलाफ क्यों बोलो? मैं उन्हीं के साथ हूं जो तिपरा सा, ग्रेटर तिपरा लैंड, तिपरा हा, अपना जाति, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन को प्रोटेक्ट करेगा। मैं उनके साथ हूं, मेरा दुश्मन कोई नहीं है, मेरा दोस्त वो है जो तिपरा सा को कुछ देगा, नहीं दिया तो मेरा रास्ता क्लियर है। आई डिड नॉट कम टू पॉलिटिक्स टू मेक मनी, मैं पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं आया। आई हैव कम हियर टू गिव समथिंग टू माय इंडिजिनस पीपल ऑफ त्रिपुरा, एंड आई एम टेलिंग यू दिस। तिपरा मोथा को तोड़ने गया तो मैं उनको भी तोड़ दूंगा, एंड आई नो हाउ टू ब्रेक देम, आई नो हाउ टू ब्रेक देम, मैं जानता हूं
आज पूरा नॉर्थ ईस्ट कार्बी आंगलोंग हो, खासी गारो जयंतिया हिल्स हो, दिमासा हसा हो, बोडो हो, ये लोग सब अपना लैंड के लिए फाइट कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है? डरता है। वी आर स्केर्ड बिकॉज यू आर इधर बीजेपी, यू आर कांग्रेस और यू आर अलायंस पार्टनर। तीपरा मोथा इज अलायंस पार्टनर, बट तीपरा मोथा फर्स्ट अलायंस इज विद द कम्युनिटी, नॉट पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम दिल्ली। दो मिनट में अगर आपने नहीं दिया, 2 मिनट में मैं अपना स्टांस क्लियर कर दूंगा। और कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं मैं इंडिया के खिलाफ नहीं हूं, वी आर नॉट अगेंस्ट इंडिया। आसाम में रोज बांग्लादेश से लोग आ रहा है, आसाम में रोज बांग्लादेश से लोग आ रहा है। वहां का मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, ही सेड हम बांग्लादेश का लोगों को आसाम में आने नहीं देगा, बोलता है कि नहीं? त्रिपुरा में बोल के देखो, ना 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 बोलो ना। क्यों? रोज न्यूज़पेपर खोलो, रेलवे स्टेशन में 12 लोग पकड़ा गया, एयरपोर्ट में 10 लोग पकड़ा गया, हर 20 लोग जो पकड़ा जाता है ना, 800 लोग घुसता है, कोई पकड़ता नहीं है। किसका जमीन में बैठ रहा है वो लोग? अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो सबसे पहले आपको पिपरासा को बचाना पड़ेगा, ये एंट्री गेट है इंडिया के लिए। अगर आपको, इफ यू वांट टू सेव असम, जो मुख्यमंत्री बोलता है मुझे आसाम को बचाना है, तो त्रिपुरा को पहले आपको सुरक्षा देना पड़ेगा। और सबसे पहले फ्रंट लाइन में वी तिपरासा पीपल आर द फ्रंट लाइन। नहीं हो रहा है, इज नॉट हैपनिंग। ड्रग्स आ रहा है, एड्स में हम लोग का यूथ मर रहा है। क्यों? हम लोग लेबोरेटरी है। And government of India should also realize one thing. जब शांति रहता है, when we are peaceful, and media please cover me, when we are peaceful in Northeast, nobody listens to us. When we are peaceful, जब शांति है कोई सुनता नहीं हमारे बारे। जिस time कुछ झगड़ा हुआ, violence हुआ, सब लोग आ जाता है, अरे 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 मत करो, पैसा लो। तो मतलब यू आर रिवॉर्डिंग वायलेंस एंड यू आर नॉट गिविंग पीस अ चांस। वायलेंस हुआ मणिपुर में, राहुल गांधी 3 बार आ गया। वायलेंस हैपेंड, अमित शाह केम, मीडिया केम। Now in the parliament, Manipur, I support the people of Manipur. I want peace in Manipur. Who divided Manipur? Politicians who are looking for their personal drug money. Politicians divided Manipur. Who is dividing Tripura? Who is trying to divide Tripura? क्या त्रिपुरा तिपरासा को छोड़ के आप डेवलप कर सकता है? कर सकता है? तो ये बात क्यों नहीं करता कोई? प्रोड्यूस खराब है, ये खराब है, ठीक है मैं खराब हूं, मुझे मार दो, तिपरासा का प्रॉब्लम सॉल्व होगा? कोई बात नहीं करता है कि आज हम लोग का थानसा खतरे में क्यों है। मैं आपको बोलूं, यू वॉन्ट टू नो, इफ तिपरासा रिमेन यूनाइटेड
बीजेपी 303 से 240, इंडिया 100 से 240 हो गया। 2028 में अगर तिपरासा एक रहा ना, हम लोग फैक्टर बनेगा। एक रहा तो दोनों तिपरा मथा को, तिपरासा टूटेगा, फैक्टर नहीं रहेगा, बुकुंगबारा को कुछ नहीं मिलेगा। डिवाइड एंड रूल। यहां में हम लोग का कुछ लीडर्स है, आई लव ऑल ऑफ यू, पर आप लोग फेसबुक पे लिखते रहते हो, आपको लगता है कि आप लीडर बन रहा है, 5-10 चमचा लोग कमेंट करता है, लेकिन एक दूसरे से लड़ रहा है ना आप लोग। जो दबाना चाहता है लोग बोलता है, देखो फाइटिंग हुई से शेष हो जाबे। आपको लगता है कि हम लीडर बन रहा है, कुछ नहीं होता। कोरबुक जीतने से आप त्रिपुरा नहीं जीतेगा, चरलाम जीतने से आप त्रिपुरा नहीं जीतेगा, ओमपी जीतने से आप त्रिपुरा नहीं जीतेगा, मनु जीतने से, मनु में आप हीरो है और सब जगह में आप मनु में जीता और सब जगह में जीरो है, नहीं जीतेगा अपना त्रिपुरा। व्हाई आई यू नीड टू ट्रस्ट योर लीडर्स। I know you trust me. You trust me, no? Yes. The problem is, leaders, stop fighting with yourself. You will get nothing. Signboard ban ke reh jayega. Tripura mein har 5 saal baad naya regional party nikalta hai. Kyun nahi reh sakta hai 10 saal tak regional party, 15 saal tak, 20 saal tak? Kyun ek election ke baad signboard ho jata hai? Ek seat, zero seat, do seat. Kyun? तिपरासा तिपरासा से फाइट करने लगता है। और हम लोग क्यों फाइट करता है बोलो, टेल मी व्हाई डू वी फाइट? थानसा को तोड़ना है ना तो रुपया बंद कर दो। किसी का थानसा तोड़ना है ना उदय तो नल में पानी बंद कर दो। जब घर में पॉकेट में पैसा नहीं है ना तो भाई भाई भी फाइट करता है। भूखा पेट में, जब किसी का पेट में भूख आता है ना तो एक रोटी के लिए भाई भाई से फाइट करता है, करता कि नहीं? हाँ। जब नौकरी नहीं मिलता है तो घर में टेंशन होता है कि नहीं बीवी और पति का? अगर दो बच्चा है घर में, उसको खिलौना चाहिए, माँ या बाप कुछ दे नहीं सकता है तो बच्चा लोग फाइटिंग करता है कि नहीं? हाँ कि नहीं? तो हम लोगों का बाप क्या है आज के दिन? स्टेट है। पैसा बंद कर दो। पैसा बंद करेगा फ्रस्ट्रेशन होगा। वीसी इलेक्शन नहीं होगा तो गांव में पैसा नहीं आएगा, आदमी फ्रस्ट्रेटेड होगा, गांव में आपका थाल चौरा में तिपरासा ही फाइट करेगा और तो कोई नहीं है। वीसी इलेक्शन वीसी जगह में तो तिपरासा ही है ना। ओमपी में पाथान आप यहां में है, सौदागर है, ओमपी में पैसा नहीं आएगा, आप गुस्सा होगा तो आप कहां अगरतला के फाइट करेगा? नहीं ना, ओमपी में ही फाइट करेगा। जब फाइटिंग शुरू होगा पठान भूखा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, सौदागर भूखा, फाइटिंग हुआ, अगरतला का न्यूज़पेपर में क्या आएगा? यह नहीं आएगा कि पठान भूखा था, सौदागर भूखा था, तिपरासा भूखा था, यह नहीं आएगा न्यूज़पेपर में। मीडिया प्लीज कवर इट। क्या आएगा न्यूज़पेपर में? कॉलोय वर्सेस जमतिया। राइट? रियांग, अपना रियांग, हम हमेशा बोलता है
रियांको, रियान के अंदर सबसे कम थामसा क्यों है? टेल मी उदय, टेल मी फिलिप, व्हाई? ओपनली बोल रहा हूं, बिकॉज रियांक सबसे गरीब है, और गरीब को तोड़ना है ना तो उसको 100 रुपया देकर भाई को भाई से लड़ा सकता, क्योंकि भूख है पेट। तो जो सबसे गरीब है वो सबसे पहले उनको तोड़ने का कोशिश किया जाता है। यू नो व्हाई रियांग इज सफरिंग सो मच? आई टोल्ड दिस टू माई पीपल, आई आई लव माई रियांग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव माई ब्रू पीपल, आई फॉट फॉर यू, आई फॉट फॉर यू, बट यू हैव टू लव योर सेल्फ फर्स्ट, रियांग हैज टू लव रियांग फर्स्ट। Today you are Sangroma, you are Brumutho, you are YBA, you are some other organization. There's no unity. If you are not united, your Suraksha Manch is going to give you danda every time. Every time. Because there is no unity. You will kill yourself. Nobody will kill you. You will kill yourself. और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। थामसा चाहिए ना आपको? थामसा चाहिए तो आपके पास इकोनॉमिक पावर भी होना होगा। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि हमको फंड्स दो। दुनिया में, प्लीज लिसन टू मी carefully, please listen to me carefully, सबसे ज्यादा यूनिटी किसके पास होता है दुनिया में? जूस, मारवाड़ीस, गुजरातीस, पारसीस, टाटा, अंबानी, अदानी, बिरला, गोयंका, द जूश पीपल, ठीक है? और सबसे गरीब कौन होता है पूरा दुनिया में? ट्राइबल्स, झारखंड में हो, छत्तीसगढ़ में हो, अपना त्रिपुरा में हो, आसाम में हो, अफ्रीकन्स, पूरा अफ्रीका को किसी और ने कैप्चर करके रखा है। क्यों? यूनिटी हमेशा अमीर लोगों के पास रहता है और डिवाइडेड हमेशा गरीब रहता है। आपने कभी सोचा है कि जो सबसे गरीब है उसके बीच में कभी भी यूनिटी नहीं रहता है, और जो अमीर है उसके पास? आपने कभी नहीं देखा ना अदानी और अंबानी फाइट कर रहा है? कभी नहीं देखा ना कि टाटा और बिरला फाइट कर रहे हैं? लेकिन यहां मैं कमलपुर का देव वर्मा, ख्वाई का देव वर्मा से फाइट कर रहा हूं, रईसा भरी में जमातिया त्रिपुरा फाइट कर रहा हूं, चोरे रियांग फाइट कर रहा हूं, जम्पू जला टकर जला के बीच में राइवलरी है। हम लोग गरीब है ना, हम लोग के सामने एक 100 रुपया देके बोलता है चलो फाइट करो, जो जीतेगा उसको 100 रुपया मिलेगा। ठीक बोल रहा कि नहीं? क्यों फाइट करें हम लोग 100 रुपये के लिए? ये भी मेरा भाई, मैं भी मेरा भाई, हमको 200 रुपया दो, हम लोग दोनों के पास 100। यही तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन नहीं, ये बात सिर्फ यूथ समझ सकता है। ओनली द YTF कैन अंडरस्टैंड दिस। दिस जिनका टाइम गया उनको समझ में नहीं आएगा। पूरा जिंदगी फाइट किया, कुछ नहीं मिला। आज फिर से कभी जाति के नाम में, कभी कॉपरो कौबू के नाम में, आज नया चीज निकला,
You're Christian. Oh, okay. They're Hindu. No, we are not Chepta. We are Bukumbara. We are Narbung first. But no, you're Christian. You're Hindu. We are Tiprasa first. Ye philosophy rakho. Kuch nahi milne wala ye sabse. ये कौन डिवाइड करा रहा है? पिपलासा अगर गरीब रह रहा है तो किसका फायदा हो रहा है? नहीं नहीं नाम लो वंशा का। किसका फायदा हो रहा है? बीजेपी नहीं, सीपीएम नहीं, कांग्रेस नहीं, कौन दबा के रखा है? और अगर आप लोग ये बात नहीं समझ पाते, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस ना, दैट इंडिजिनियस पीपल नॉट ओनली इन त्रिपुरा, द इंडिजिनियस पीपल विल बी ऑलवेज डिप्राइव्ड इन देयर ओन लैंड। पूरा इंडिया में देख लो, सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, नागालैंड में देखो, आसाम में, कार्बी आंगलोंग में देखो, बीमासा हसाओ में देखो, बोरोलैंड में देखो, मेघालय में देखो, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंत हिल्स में देखो, सबसे ज्यादा सीमेंट, कोयला, गैस, पेट्रोल किसके जमीन के नीचे है? किसके जमीन के नीचे है? इंडिजिनस ट्राइबल पीपल के जमीन के नीचे है कि नहीं? और पैसा कौन कमा रहा है? क्या एक ओएनजीसी का चेयरमैन त्रिपुरा का नहीं है, मेघालय का है, कार्बी आंगलोंग का है? कोई एक ट्राइबल बना? झारखंड में हमारा ट्राइबल लोगों का नीचे से, जमीन से आयरन ओर निकाला जा रहा है, माइंस में निकाला जा रहा है, कोई को, हम लोग मजदूर बन रहे हैं, मजदूर रेगा कर रहा है, पैसा किसके पॉकेट में जा रहा है? हम लोगों का जमीन, हम लोगों का रिसोर्सेस, हम लोगों का परदादा का जमीन, आप लोग बाहर से आके हमारे जमीन से सब कुछ ले जाता है। और जब हम लोग बोलता है कि हम लोगों को पैसा दो, ओए क्यों पैसा मांगा, ये तो उग्रपंथी है। बुबाकरा कुछ बोलता है, ए देखो बुबाकरा कम्युनल, तुम हम लोगों का जमीन से ले जाता है, क्या हमको 50% नहीं मिल सकता है? क्या हमारे लोगों को 50% मांगने से आपको प्रॉब्लम है? लेकिन नहीं, ये लोग हम लोगों का लोगों को बोलेगा, एक एसोसिएशन बनाओ, एक ग्रुप बनाओ। अगर मनु में गैस का कोई कर रहा है, ओमपी में कोई कर रहा है, सौदागर को कौन रोकेगा? पुरनो आपका एरिया में अगर कोई माइनिंग करता है, कौन रोकेगा आपको? आप ही का तिपरासा को रुपया देकर ये लोग बोलते हैं, रुपया लो जाओ मारो, इनको अपोज करो, हम लोगों को तोड़ने के लिए। आपके खुद सामने नहीं आएगा, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, खुद सामने नहीं आएगा। इसको इंग्लिश में एक वर्ड बोला जाता है, यू नो व्हाट इज द वर्ड इन इंग्लिश? एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। मैंने एग्रीमेंट साइन किया, मैं दिल्ली में जाकर ये सब बात करूंगा, और मेरा बात नहीं माना तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं अपने आप अपने लोगों को कुछ नहीं दे पाया तो पावर में रहने का कोई फायदा नहीं। आई वॉन्ट लीव, एंड आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू हियर, धीरेन्द्र पानी नहीं मिलता, याद है लास्ट टाइम वहां में हुआ था,
अगर अपना लोगों को कुछ नहीं दे सकता ना, तो खोल दो पूरा अपना तिजोरी, एबीसी का पूरा तिजोरी खोल दे दो। हारेगा तो हारेगा, लेकिन एटलीस्ट दिल में कुछ तो सुकून होगा कि हमने अपना लोगों को कुछ दिया। लेकिन दल दल के खुशी करके हार नहीं है तो मन का काम करके हारो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट सोएगा तो ठीक से सोएगा रात में, माई कॉन्शियंस विल बी क्लियर। आई लव ऑल ऑफ यू। और जब मैं पॉलिटिक्स में आया था ना, मैं इतना नहीं जानता था आज जितना जानता हूं। पहले मुझे लगता था ये अच्छा है वो खराब है, ये अच्छा है वो खराब है। एक्चुअली हम लोग सब सिंपल है, हम लोगों को ऐसा बनाया गया है। 70 साल से हम लोगों को डिनाई करते करते, डिनाई करते करते हम लोगों का सोच को भी उल्टा कर दिया। हम लोगों को अपना सोच को बदलना पड़ेगा। कोई बोलता है महाराजा अग्रीमेंट साइन हुआ, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, क्या मैं 2 दिन में अग्रीमेंट का सेटलमेंट कर दूं? कुछ नहीं मिलेगा। इंडिया को भी अंग्रेज को हटाने के लिए 200 साल लगा। 95% इंडिया था, 5% इंग्लिश था, तभी भी 200 साल लगा। हम लोग तो 30% है। अग्रीमेंट में बहुत लोग ने बोला आपको सब मिल जाएगा, आप तिपरा लैंड का डिमांड को छोड़ दो। बोला नहीं, सब चीज डिस्कशन होगा, सब चीज डिस्कशन होगा, और आपका सरकार नहीं देगा तो किसी और का सरकार देगा। लेकिन हम किसी का मेहरबानी में नहीं है। एंड इफ यू आर इंटेलिजेंट, अगर आप लोग समझदार है तो समझदार को इशारा ही काफी है। और मैं किसी के संग किसी को खराब नहीं बोलने वाला हूं। कोई फोन करके बोलता है कि कांग्रेस के अगेंस्ट बोलो, मैं क्यों बोलूं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अगेंस्ट? उसने तो मुझे कभी खत्म नहीं किया। एक दिन उनका दरकार पड़ सकता है, बात करूंगा। कोई फोन करके बोलता है कि मोदी जी को गाली बको, अमित शाह को गाली बको, क्यों? हमारा ब्रू अकॉर्ड अमित शाह जी ने किया, मैं क्यों खराब बोलू? टिपरा शाह अग्रीमेंट में अमित शाह ने मुझे फोन करके किया, मैं क्यों खराब बोलू? हमको डिनाई ना राहुल गांधी ने किया ना अमित शाह ने किया, हमको डिनाई जिसने किया, मैं जानता हूं किसने हमको डिनाई किया। दिल्ली ने नहीं किया, यहां के लोगों ने हमको डिनाई किया। तो मैं अपना लड़ाई किसी और के साथ नहीं करूंगा, ये मेरा पॉलिसी है। ठीक है कि गलत है? मैं अंधा बन के जय जय नहीं बोलने वाला हूं, मैं अंधा बोल के नहीं बोलने वाला, ए तुम्हें क्रिश्चियन तुम्हें हिंदू नहीं। हम महाराजा वीर विक्रम का सिद्धांत में चलता है। महाराजा वीर विक्रम नहीं देखता था आपका धर्म क्या है, महाराजा वीर विक्रम नहीं देखता था कौन रियांग है, कौन जमतिया है, कौन देवबर्मा है, कौन कलोई है, कौन काइपिंग है, कौन नुआतिया है। महाराजा वीर विक्रम अपना देश के बारे, अपने लोगों के बारे सोचता था। उनके घर में उसने सुअर खाया, मच्छी खाया, कुत्ता खाया कि मुल्ला खाया, हमारा काम नहीं है कि गले में क्रॉस है कि ओम है। हमारा काम है अपने जाति को बचाना, अपने जाति को एक अच्छा कल देना। YTF, ओ माय YTF, ये लोग नाटक कर रहे हैं, दिल्ली जाएंगे ये करेंगे। लुनिल, यू हैव बीन अ गुड प्रेसिडेंट,
तीन साल आपने दिया, अब आपको मैं सीनियर पार्टी में ला रहा हूं, पोस्ट देख के ला रहा हूं। और यहां में बहुत लोग हैं जो आज बोलेगा मेरा क्या होगा बुबाकर, आप सबका मैं चिंता करता हूं। ये यहां में पितौर, आई नेवर फॉरगेट व्हाट यू डिड फॉर मी। वीर, आप नहीं जीता, टिकट तो दिया मैंने। हॉली दिया ना, कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। कोई और पार्टी ज्वाइन करो, नहीं मिलेगा। जब तक आप 55-60 का नहीं होगा ना, आपको टिकट भी नहीं मिलेगा। आप तब तक यूथ का प्रेसिडेंट रहेगा। जब तक चमचागिरी नहीं करेगा, नहीं मुंडा जी कुछ नहीं मिलने वाला आपको। जौहर जौहर बोलते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने सोचा कि कुछ अलग, रविंद्र बाबू यहां में है, अभी भी सब लोग रविंद्र जूनियर बोलते। हम लोगों को उठनी नहीं देता। आई विल गिव यू द चांस, यू हैव टू हैव फेथ इन योर लीडर एंड यू हैव टू स्टॉप राइटिंग नॉनसेंस इन फेसबुक। स्टॉप राइटिंग नॉनसेंस। आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा इंपैक्ट कर रहे हैं, असल में लोग हंस रहे हैं। थोड़ा डिसिप्लिन लाओ। हमको भी खराब लगता है कभी कभी, मेरा भी दिल में दुख लगता है। मैं फेसबुक में नहीं लिखता हूं, कभी भी अपना तिपरासा को अटैक नहीं करना चाहता। घर में प्रॉब्लम होता है, ये परिवार है। आर वी अ फैमिली और नॉट? हम लोग एक परिवार है कि नहीं? परिवार में हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ, आप क्या फेसबुक पे लिखेगा? नहीं, क्योंकि हम लोगों का दुश्मन बहुत है, तिपरासा नहीं है हम लोग का दुश्मन। जितेंद्र चौधरी हम लोग का दुश्मन नहीं है। जितेंद्र चौधरी अभी तक समझ नहीं पाया कि उसका दुश्मन प्रद्योत विक्रम माणिक्य नहीं है, उसका दुश्मन माणिक सरकार है। ये हमारा तिपरासा का प्रॉब्लम है। जितेंद्र चौधरी ये समझ नहीं पाया कि वो मुख्यमंत्री नहीं बना, क्योंकि महाराजा ने इसको चांस दिया नहीं, उसको माणिक सरकार ने चांस नहीं दिया। वो जानता है लेकिन हिम्मत नहीं है बोलने के लिए। राणा चरण देव वर्मा आज तक ओपनली बोल नहीं पाया कि उसको किसी ने चांस नहीं दिया उठने के लिए। वो हम लोग नहीं है, वो खुद का वहां का है। आज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बन नहीं पाया, महाराजा ने उसको नहीं डिनाई किया, किसी और ने डिनाई किया। और आज भी मैं बोलता हूं, हमारा दुश्मन जो है वो कोई और है, हम लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। पूरे इंडिया में देख लो, इंडिया ने क्रिकेट टूर्नामेंट जीता, किसने बॉलिंग किया? मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज। टेनिस में लियांडर पेस खेलता था, अभी सुनील छेत्री रिजाइन किया है, रिटायर किया है फुटबॉल से। तो क्या सुनील छेत्री नेपाली है तो वो इंडियन नहीं है? वो मंगोलियन है तो ऐसा है तो वो इंडियन नहीं है? कैप्टन था इंडिया का। मोहम्मद सिराज जब बॉलिंग करता है तो हम लोग बोलता है, हे तू मुसलमान है? लियांडर पेस इंडिया का टॉप टेनिस प्लेयर था, किसी ने बोला तुम क्रिश्चियन है, तुम इंडिया को प्यार करता है कि नहीं? तो ये हमेशा सवाल नॉर्थ ईस्ट के लोगों के ऊपर, हा व्हाई आर वी ऑलवेज क्वेश्चन, आर वी डू वी लव अ कंट्री और नॉट? उमा, दिल्ली जाओ, कहीं भी जाओ, अरे मंगोलियन, चिंगचोंग चिंगचोंग, मंगोलियन चिंगचोंग। सबसे पहले ये महाराजा वीर विक्रम
अगर नहीं होता ना तो त्रिपुरा इंडिया का पार्ट नहीं होता। आज हमको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम लोग अपना देश को प्यार करता है। आज अगर हम किसी और भगवान को पूजा करता है तो नो ओ यू वर्शिप, अरे हम बाबा गड़िया का पूजा करें, हम गणेश भगवान का पूजा करें, सुब्राय का पूजा करें, जीसस का पूजा करें, अल्लाह से पूजा करें, बुद्ध भगवान से पूजा करें, क्या फर्क पड़ता है। एवरी टाइम वी हैव टू प्रूव दैट वी आर इंडियंस। I don't want to prove if I am Indian. You prove if you are from my country or you are from another country. Hemant Biswa Sarma बोलता है कि बांग्लादेश से लोग आ रहा है, सब ठीक। हम लोग बोलेगा कम्युनल, अरे कितने लोगों को रखे। अधिकार नहीं मांगना चाहिए, लैंड राइट्स नहीं मांगना चाहिए। तो YTF को मैं बोल रहा हूं, आई एम गोइंग टू यूनाइट ऑल ऑफ यू ऑल थानसाना, सिर्फ त्रिपुरा में नहीं। अगर क्रिकेट खेलना है बैक फुट में मत खेलो, फ्रंट फुट में खेलो। मैं फ्रंट फुट में खेलूंगा, मैं सबसे बात करूंगा। I will talk to every tribal in India. I will try to unite every tribal in India. Every tribal in India is being exploited. Every indigenous person in this country is being taken for a ride. Our minerals, our land, our gas, our tea gardens, our oil, our coal, our cement, everything is being taken away from us and we get no money, we get no royalties, we get no benefits. Today when I want to speak in English, they say you cannot speak in English. ये सब मंत्री का बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है, दे गो टू इंग्लिश मीडियम स्कूल, पढ़ता है होली क्रॉस डॉन बॉस्को, लेकिन जब अपना गरीब तिपरासा को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना है, नहीं, हम लोगों को स्क्रिप्ट नहीं दिया जाएगा। उनका बच्चा इंग्लिश पढ़े ठीक है, हमारा बच्चा को 15 मीडियम स्कूल में पढ़ना पड़ता है। ये राइट है कि रॉन्ग है? I have made up my mind, YTF, get ready. आप लोग विश्वजीत कोलोई, आपने बोला membership drive block level से करो, और मैं सुनना नहीं चाहता हूं, मैं सुनना नहीं चाहता हूं कि मुझे पोस्ट नहीं मिला मैं काम नहीं करूंगा। नहीं काम करना है, जाओ get out, जाओ चमचागिरी करो। विक्रम मानिक्य के साथ कोई भी नहीं होगा, मैं अकेला लड़ूंगा। We have enough Tiprasa people in Shillong. We have enough Tiprasa people in Delhi, in Bangalore, in Hyderabad, in Pune, all over India. मैं आप लोग ग्रुप बनाऊं, कोई नॉर्थ इंडिया जाएगा, कोई साउथ इंडिया जाएगा, कोई गुवाहाटी शिलोंग जाएगा, कोई बैंगलोर जाएगा, कोई हैदराबाद जाएगा। और पूर्णो ये भी अपना लोग है, अपना लोग है, साल में एक बार फ्रेशर्स करता है। हम लोग यहां में सीमेंट का ओवरब्रिज के लिए, इसके लिए इतना रुपया खर्च कर सकता है। अपना यूथ लोग जो बैंगलोर में है, हैदराबाद में है, गुवाहाटी में है, शिलोंग में है, दिल्ली में है, देहरादून में है, चेन्नई में है, पुणे में है, साल में एक बार उन लोग मिलता है। हम लोग क्या थोड़ा स्पॉन्सर नहीं कर सकता अपना लोगों को? करो, अपना लोगों का पैसा है दो। और यहां में I'm telling you, दो साल के बाद कोई याद नहीं करेगा आप सीएम था कि नहीं, लेकिन आपका दिल में रहेगा कि मैं जब था तो मैंने दिया,
मुझे लगता है मैं बुबा गया था तो मैंने दिया. एंड आई एम टेलिंग यू वन मोर थिंग, अपना मेंबरशिप ड्राइव करो. 23 अगस्त में आप लोग प्लेनरी सेशन करो फॉर YTF. 23 अगस्त करेगा हम लोग प्लेनरी सेशन 23 अगस्त. उसके बाद 125th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और जब तक ग्रेटर पिपरा लैंड नहीं मिलेगा तब तक हमारा दिल में शांति नहीं मिलेगा. ये सब लेकर हम लोग 1000 यूथ को, ओनली यूथ, ओनली YTF TISF 1000 यूथ को दिल्ली में जाकर जंतर मंतर में एक हफ्ता तक हम लोग आंदोलन करेगा. कोई पार्टी 200 लोगों के लेके जा रहा है, ले जाओ 200 लोगों को लेकर, नो प्रॉब्लम. हम लोग 1000 यूथ को लेके जाएगा. और कोई बोलता है 1000 कम है, लगाओ रुपया, मैं रुपया मैं फाइनेंस करता हूं, मैं करता हूं, 1500 को ले जाऊंगा. और जो अपना YTF लोग है, अपना तिपरा साहेब, पॉलिटिक्स कुछ भी छोड़ो, देहरादून से, दिल्ली से, पंजाब से, हिमाचल से, कहीं से भी हो, मोस्ट वेलकम. लाम सबो कम टू जंतर मंतर हम लोग भी करेगा. करेगा नहीं, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा. और अगर उन्होंने दिया, बेलाए नो हम बाय, अगर हम लोगों को अपना अधिकार दिया तो हम लोग बोलेगा बेलाए नो हम बाय, नहीं दिया तो आपको हमारा जवाब मिल जाएगा. I am not here to betray my community. I am not here to cheat you. I am here to fight. And you know what? I'll tell you one thing. महारानी से मैंने परसों बात किया, मेरा माँ से, 80 साल का हो गया है मेरा माँ. My mother is 80 years old. आवाज में आज भी शेर जैसा, शेरनी जैसा आवाज है मेरा माँ. और माँ को मैंने बोला, यू आर द टोटल लॉ ऑफ महाराजा वीर विक्रम, आई एम अ ग्रैंडसन ऑफ महाराजा वीर विक्रम, वी कैनॉट लेट आवर कम्युनिटी डाउन. एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल लिसन टू मी आफ्टर दिस, बट I have a fight in me, I have the fire inside me, I have the desire. I have a desire to give something to my people, not only to my people but to the whole Northeast. So be strong, stay strong, and be united. Don't fight with each other. You fight today, we will not be a factor. Not Pipra Motha. Piprasa will not be a factor in 2028 assembly election if there is no Thansa. If there is Thansa, Piprasa will decide 2028 election. We will be a factor. But agar aaj lad liya na, koi puchne wala nahi. अगर आप लोग सीरियस नहीं होगा, कोई आपको सीरियसली नहीं लेने वाला. बहुत लोगों का दिमाग मोटा है. मैं बोलूंगा, ये माथा रख के, उनमें जान नहीं है. हम भी देख रहे हैं क्राउड में किसके आंख में, हाँ, मोटिवेशन है. और मैं ये भी देख रहा हूं कि किसके आंख में और मैं भी देख रहा हूं कि कौन आया है
कहां से आया है? आप आए बनो से? थैंक यू भाई, आपका गाड़ी तोड़ा गया था, आप आया? एक बार भी पैसा नहीं मांगा आपने। बहुत लोगों का केस केस फाइल किया गया, बहुत लोगों को तंग किया गया, आज भी आप गया। अलायंस करने के बाद एक को भी बीएससी चेयरमैन नहीं दिया गया, 13-13 एमएलए होके भी किसी को बीएससी चेयरमैन नहीं दिया गया, और किसी का एक एमएलए है उसको 16 बीएससी चेयरमैन दिया गया। बोलता है कि हम लोग सब एक है, एक कैसा है? आने के बाद भी नाला बंद करके रखा है, टैप बंद करके रखा है। कोई मुझे गाली बकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कोई कुछ नहीं करता। ठीक है, मैं जानता हूं प्लानिंग है खान साहब तोड़ने का। खान साहब टूटेगा? ये 2024 है, आज का पीपरा साहब समझदार। यू ऑल नो आई लव यू, यू नो आई लव यू, बट यू हैव टू लव योर सेल्फ ऑल्सो, यू हैव टू थिंक फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। अगर बिरयानी चाहिए तो 3 घंटा रुकना पड़ता है, अगर मैगी खाना है तो 2 मिनट में खा लेगा आप, लेकिन मैगी मैगी होता है, बिरयानी बिरयानी होता है। पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा वेट करना पड़ता है, और वेट करेंगे, अपेक्षा करेंगे, उम्मीद है। आज अमित भक्सा आकर कुमार घाट में बोल के गया, राजा साहब तो राजा साहब है लेकिन बनिए से भी ज्यादा चतुर है। छोटे छोटे बातों को उन्होंने रखा है और मोदी जी ने आशीर्वाद दिया है, तो अब आपने बोला है आपको वादा पूरा करना चाहिए। मैं वेट कर रहा हूं, उनका फोन आया, उन्होंने बोला नहीं करेंगे, फिर से फोन आया, लेकिन मुझे लगता है वो करना चाहते हैं, हमें चाहिए, लेकिन बीच में लोग नहीं देना चाहते हैं। वो लोग कौन है, उनका एजेंडा क्या है, वो क्यों होम मिनिस्टर को मिसगाइड करके तिप्रा साहब को डिनाई करना चाहते, गुमराह करना चाहते, क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि तिप्रा साहब उठे, क्योंकि जिस दिन हानी भूसा उठ गया ना, हानी भूसा है और आउटसाइडर आउटसाइडर है। तो सोच YTF, रिकॉन्स्टिट्यूट योर सेल्फ, सेंट्रल कमेटी मिलो, बैठो, हर ब्लॉक में मेंबरशिप ड्राइव शुरू करो। 23 अगस्त को प्लेनरी सेशन होगा, वेन्यू मैं बताऊंगा कहां होगा। उसके बाद हम 1000 से 1500 यूथ को, यूथ ओनली, TISF एंड YTF ओनली को हम लोग दिल्ली ले जाएंगे अपना एजेंडा के साथ, मेमोरेंडम के साथ, और ये मेमोरेंडम हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो एक्चुअली ट्राइबल देश का प्रेसिडेंट ट्राइबल, मैं हम उनको देंगे, प्राइम मिनिस्टर को ऑफिस को देंगे, होम मिनिस्टर को देंगे, और वेट करेंगे उनका रिस्पॉन्स क्या। और अगर किसी को लगता है ये करने से हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे, हम लोग तो वायलेंस नहीं कर रहे, पीसफुल मूवमेंट है, और मूवमेंट पीसफुल जब होता है, महात्मा गांधी ने सिखाया अहिंसा सत्याग्रह, तो अगर हम महात्मा गांधी का रास्ता लेकर
फादर ऑफ द नेशन का रास्ता लेकर जाएंगे तो लोग हमको उग्रपंथी कैसे बोल सकते। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, हम लोग कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, हम लोग अपना कम्युनिटी के पक्ष में हैं। हम लोग कोई धर्म को डिवाइड करके राजनीति नहीं करना चाहते हैं, वो उनका पॉलिटिक्स है, हमारा पॉलिटिक्स है जोड़ने का, हमारा पॉलिटिक्स है हेट्रेड को हटाने का। और बहुत लोग सीपीएम में कांग्रेस में उल्टा सीधा बोलते हैं, महाराजा ने आज तक किसी को उल्टा सीधा नहीं बोला, कोई लीडर उनका ऊपर से उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला। जो लोग राजनीति करना चाहते वो लोग भी 30 साल पावर में था, मुख्यमंत्री मानिक सरकार था, उनका पॉलिसी भी टिपरासा को डिनाई करने का था, हां कि नहीं? तो कुछ नहीं बदला है, पार्टी बदल गया है, लेकिन टिपरासा को नीचे रखने के लिए ये लोग पार्टी बदल रहा है। पार्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है नियत में, नेचर में प्रॉब्लम है डिनाई करने का। सो बी रेडी। आज YTF का प्रोग्राम है, आई एम वेरी हैप्पी TISF के लोग भी आए हैं, आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑल द यंग लीडर्स इंक्लूडिंग द यंगेस्ट रविंद्र बाबू यहां में है।